हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन विदेश। दोस्तों मिशन विदेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में, तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे एक ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में जो कि एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है। ठीक है, अब ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे रीजन है। ठीक है, इसका चार्ट हम वेरीफाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद डिसीजन आप लेंगे कि आपको ये स्टॉक बाय करना है या नहीं करना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले सारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और विदेश आई मीन कैनेडा से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहे। ओके, तो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है BLB लिमिटेड। ठीक है, BLB लिमिटेड एक पेनी स्टॉक है। ठीक है, अब स्टॉक के बारे में हम जानते हैं, ये जो अभी 27 अगस्त को जो लास्ट ट्रेड हुआ था NSE में 490 और BSE में भी 490 का ट्रेड हुआ था। ठीक है, 0.16 ये बढ़ के अप हुआ है BSE में, 0.20 ये बढ़ के अप हुआ है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर आपको बोलते हैं 100% बाय। अब 100% बाय क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी सेंटीमीटर्स आपको मनी कंट्रोल बताता है कि बाय करना है, सेल करना है या फिर होल्ड करना है, तो उसी के हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ आपके प्रोजेक्शंस होते हैं जिस बेसिस पे इसको रीड किया जाता है। ठीक है, और मैं आपको फिर ये बोलूँगा कि इसको आप बाय करने से पहले ज़रूर चेक कर लें, इसके चार्ट स्टडी कर लें, लेकिन ये मैं स्टडी करने के बाद ही आपको ये बता रहा हूँ, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए ये करना जरूरी है। ठीक है, अभी इसमें देख लीजिए, इसकी जो हम अभी बात कर रहे हैं क्लोजिंग प्राइस, क्लोज प्रीवियस क्लोज था 474। ठीक है, ओपनिंग थी 457 और बिड प्राइस है 490 का, 490 पे ये क्लोज हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट कैपिटल, इसकी देखते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन है 25 करोड़, ऑलमोस्ट 26 करोड़ है, बुक वैल्यू 16। ठीक है, आप इसको यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, मनी कंट्रोल एक बेस्ट वेबसाइट है जहाँ पे आप इनके ऑल स्टॉक के बारे में सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसके एडवांस चार्ट पे बात करेंगे। चार्ट पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि किस तरीके से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, इंडिकेटर्स देख लीजिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं 6 मंथ की, अभी हमने सेलेक्ट कर रखी है, तो 6 मंथ में इसने कितना रिटर्न दिया है। देखिए 6 मंथ पर जो हाईएस्ट रिटर्न इसने दिया है $9.05 का इसने यहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न दिया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें 1 ईयर की, तो 1 ईयर में ये गया है 965। ठीक है, तो 965 को ये यहाँ पे इसने क्रॉस किया है। 2 ईयर की अगर हम बात करें, तो 2 ईयर में इसने आपको रिटर्न दिया 840 का। तो ये आने वाले टाइम में जिस तरीके से इसकी, ये देखिए बॉटम इसकी देख लीजिए, और ये इससे मैच करता हुआ बॉटम जा रहा है, इसकी जो लो है। ठीक है, लो ये ऑलमोस्ट 4 के आसपास है, तो अगर हम हाई की बात करें तो हाई ऑलमोस्ट आपका 8 के आसपास है। ठीक है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। और 5 ईयर की रिटर्न अगर हम देखें, तो 5 ईयर में भी इसने जो हाईएस्ट रिटर्न दिए हैं मैक्स आउट, ये 10 पे हो गया है। तो अभी ये टाइम है, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसको आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको 52 वीक का हाई एंड लो की हम बात करेंगे। 52 वीक में ये कितना हाई कितना लो गया था, तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा 52 वीक लो और हाई। ठीक है, जो सबसे लो है ₹4.52। ठीक है, इसके बाद है जो हाईएस्ट इसका स्कोर गया है अभी तक का 52 वीक का, जो कि हम बता रहे हैं ₹9.79। ठीक है, अब इसके टेक्निकल चार्ट को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है, टेक्निकल चार्ट को भी देखना जरूरी है। ठीक है, अब इस तरीके से आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके ही आप एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ऐसे स्टॉक सर्च करने पड़ेंगे, ऐसे स्टॉक की जानकारी रखनी पड़ेगी जो कि आपके मेन प्रोफाइल पोर्टफोलियो को बढ़ा सके। ठीक है, पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स रखना जरूरी भी होता है, क्योंकि इससे आपका बूस्ट मिलता है आपके पोर्टफोलियो को। ठीक है, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको, ठीक है, अब यहाँ पे BSE NSE का सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका हाईएस्ट जो अभी तक का है कि ये है आपका ₹8 के आसपास। ठीक है, ₹8, देखिए ये कैंडल बता रही है आपको 8 समथिंग
855 के आसपास ही जा रहा है, तो 8.5 के आसपास का इसका स्कोर है। ठीक है, तो आपको ये स्टॉक एक अच्छा रिटर्न दे सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, एक छोटा सा लॉट आप खरीद के रख सकते हैं इसको अपने प्रोफाइल में, और अपने प्रोफाइल को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। ये आपका काफ़ी अच्छी पकड़ बनाएगा आने वाले टाइम में, जिस तरीके से इसका चार्ट बोल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।